दूध हम में से सभी के आहार का अहम हिस्सा होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ऐसे में बात ये आती है कि डायबिटीज पेशेंट को दूध पीना चाहिए या नहीं। जी हाँ, डायबिटीज के हिसाब से आहार लेते हैं तो आपको दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट से बनी चीज़ें हैं, इसमें कैलोरीज कितनी मिल रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक रिसर्च की माने तो डायबिटिक लोगों को 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रति भोजन में अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध भी पीते हैं तो इसमें लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो आपके भोजन में ये कितना कैलोरीज बढ़ा रहा है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक रिसर्च के माने तो कच्चे दूध के इस्तेमाल से डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। ऐसे दूध के वसा में मौजूद ट्रांस एसिड नाम के कंपाउंड की वजह से होता है, जो शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है। उटनी के दूध पर किए गए शोध की अगर माने तो इससे ये पता चलता है कि उटनी का दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज से जो ग्रसित लोग हैं उनके ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन की ज़रूरत को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज के लोग हैं उनके लिए उटनी का दूध बेहतर है। एक रिसर्च में माने तो दही खाने वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड की गई स्टडी के रिव्यू में ये कहा गया है कि दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पनीर का इस्तेमाल करने से असरदार ढंग से टाइप 2 डायबिटीज के होने का खतरा कम किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो कच्चा दूध टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है और टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट के लिए उटनी का दूध बेहतर माना जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।